दो तीन चार, क्या चार काफी थे या फिर इस खेल के कई और खिलाड़ियों को भी सामने लाना बाकी था? नहीं। इसके बाद सिटी चैनल के अंडरकवर रिपोर्टर की हिम्मत और बढ़ चुकी थी। अब हमें एक ऐसे पंडित की तलाश थी जो पाठ पूजा के नाम पर कारोबार करता है दलाली का। वो अपनी दो बेटियों को भी बेच चुका है, लेकिन अब उसकी नियत किसी और की बेटी पर थी। लेकिन इस खेल की हकीकत तो सामने आनी ही थी। आखिर किस तरह सिटी चैनल का अंडरकवर रिपोर्टर पहुंच गया खरीदार बनकर, यह भी आपको देखना होगा। तारीख 6 अक्टूबर 2013, समय 12:43, जगह डाक पत्थर, देहरादून। ये जगह हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के साथ लगती है। हमारा अगला टारगेट था एक ऐसा पंडित जो पाठ पूजा के आड़ में मानव तस्करी का कारोबार चलाता है। यकीन हमें भी नहीं था, लेकिन हमारे इन्फॉर्मर ने बकायदा हमें उस चेहरे से मिलने से पहले उससे हमारी पूरी बात भी करवाई थी। आप ही सुनिए ताकि यकीन करने के लिए कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं बचे। सब काम करना जैसे तू बोलना। ठीक है था, ठीक है था। मुझे क्या हर इंतजाम हो सारा काम हो तो दुबा को रह गया तुमने तरह ये काम मुझे इतनी बहुत से चीज की जैसी कर रहा है इतने बहुत से कोर चाह पानी के लिए क्या दे रहा है कोर नीला खूब जिंदगी जार के देखा है जिंदगी खूब दम। ये बात तय हो चुकी थी, पंडित भगवा चोला ओढ़कर लोगों को गुमराह कर रहा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मोहनदास से शादी करने के लिए लड़की तलाशने को कहा। हमें कहा गया कि लड़की से मिलने और हाँ करवाने के बदले हमें पूरे 3,000 रुपए देने होंगे। इस बात में गलत कुछ भी नहीं था। लड़की दिखा देने आप समझ में नहीं आई पैसे, देखो पैसे तो 3,000 चाहिए अभी। ऐसी कोई बात नहीं, डुच बुच बात नहीं, लड़की ऐसी नहीं है, लफोर नहीं है, उम्र की बहुत कम है, ये मुश्किल से 17-18 साल की लड़की हो, इससे भी कम कम हो सकती है। लड़की ऐसी है कि आज तक ये नहीं कि दिखाने वाली चीज नहीं है, वो तो अगर देखोगे तो आपका तबीयत बढ़े और कहीं शादी भी नहीं करोगे आप। देर से ही सही कम उम्र की लड़की का दाम पंडित ने 1,00,000 रुपए बता दिया। ये फीस पंडित के दलाली की थी। काम करवा देंगे तेरा, ठीक है जी। अगर आपका काम बनता है तो मुझे 20,000 रुपए देना आप सिर्फ, ठीक है जी। वो जो शादी में लड़का ले वो लेगा वो अलग है, 20,000 रुपए देना लड़की वालों को तो नहीं देना जी कुछ भी। लड़की वाले को तो देना अपने अलग से बोले, इनका कमीशन, मेरा कमीशन बता रहा हूँ। अच्छा, आपका काम बनता है तो मेरे को 20,000 रुपए वो ऊपर नीचे में अपने करवा दूंगा उससे। क्या सच में हमें किसी लड़की से मिलवाने वाला था पंडित? हमें भी इस बात का इंतजार था। तारीख 8 अक्टूबर 2013, जगह एक बार फिर वही जहाँ हम मोहनदास से पहले मिले थे, समय 1:09। एक बार फिर बातचीत का सफर आगे बढ़ता है। मोहनदास तुरंत अपने फोन से किसी को फोन करता है। हमसे कहा गया कि वो हमें एक लड़की और उसके माता पिता से मिलाएंगे। अच्छा आवाना कर चुका है। विकास नगर से देहरादून जाने वाले रोड पर ही हमें एक मंदिर में ले जाया गया। समय 3:07। पंडित के भेष में दलाल मोहनदास ने हमसे जिन दो लोगों को मिलाया उनके बारे में कहा गया कि वो लड़की के माँ बाप है। पंडित की हकीकत हम और हमारा खुफिया कैमरा जान चुका था। हमने लड़की से अकेले मिलने की जिद की। हमारी जिद के आगे पंडित की एक भी नहीं चली। हमने साफ कहा पैसा चाहिए तो लड़की से बात कराओ। जैसे ही लड़की को अंडरकवर रिपोर्टर मंदिर के पीछे लेकर गए उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। इनके बाप है जी जी, ब्रज ये है जो हमारी है जी जी जी, ये भी पंडित है जी जी, इनकी मैसेज है जी जी, लड़की है
ओके कोई ऐसी बात नहीं है, घर बार दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, उसमें आप अपने हो जाए हैं, उसमें कोई बात नहीं। आप मेरे पे फोन तो है, नंबर दीजिएगा। आप अपने अपना या पापा का? मेरा 9639 3934 3434। लड़की ने भी झूठ बोला। लड़की ने कहा कि उसके साथ आई महिला और पुरुष उसके माता पिता है, यानी हर तरीके से ठगी का खेल। तो ये पापा आपके पापा है? अच्छा, क्या करते हैं पापा? खेती बाड़ी करते हैं, सब कुछ बेहतर है। लगे हाथ पंडित महोदय ने भी कीमत बता दी। एक नया मोबाइल 60,000 रुपए और लाखों रुपए के गहने। लड़की हमें अपना मोबाइल नंबर दे चुकी थी, लेकिन जब हमने पंडित से उसका नंबर मांगा तो उसने कहा कि लड़की के परिवार वालों के पास कोई भी मोबाइल नहीं है, जो सरासर झूठ था। हमसे चलाकी करने वाले पंडित से हम दो कदम आगे निकल चुके थे। अच्छा, किसी भी लड़की के पास फोन नहीं होगा, घर में फोन नहीं होगा आप लोगों के? इनके फोन नहीं है। ठीक है। लड़की के फर्जी माता पिता को विश्वास में हम ले चुके थे और हमने उनसे कहा कि आप लड़की का दाम बताइए। तब तक पूरी गेम से पंडित बाहर और लड़की के घर वालों से हम सीधी सौदेबाजी करने वाले थे। तारीख 9 अक्टूबर 2013, समय सुबह के 8 बजे, फोन नंबर ये था। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की का था जिससे पंडित ने हमें मिलवाया था। उनसे माँ बाप है, उनसे भी बोलेंगे और हम भी बोलेंगे, हम मामा मामी है उसके, भांजी है वो हमारे। उसने ये बोला कि आप जो है ना, हाँ कि ये उसकी माँ है। वो तो उनने झूठ बोल दिया, वो भांजी है हमारी। जी जी, ये लोग भी ठगी के इस खेल में हर तरीके से शामिल थे। यही नहीं, हमसे वसूली जाने वाली दलाली भी कई लोगों के हिस्से में जानी थी। अगर आपको अभी यकीन नहीं तो आप इस बयान को भी सुनिए। वो जो पंडित है जी, वो तो दूसरे घर का है, और जो दूसरा था वो भी बीच में, और दो तीन थे वो बीच में जो करते, वो क्या नाम था, लालगिरी। कई लोगों को खुफिया कैमरे में कैद करने के बाद और लंबी जांच करने के बाद हम इस तरफ तो जरूर पहुंच चुके थे कि इस ठगी के खेल में मानव तस्करी का सबसे बड़ा खेल शामिल है। साथ ही इस ठगी के खेल की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हो चुकी थी। इस तरह एक पंडित के रूप में दलाल को हम बेपर्दा कर चुके थे। मानव तस्करी और जिस्म के दलाली की हकीकत जो हमारे सामने आई उसमें शक की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। पैसे कैसे बन रहे थे? चाहिए छोटे में जानने में सुना कैसे आगे कोई दे रहा थे तहकीकात के लिए देहरादून विकास नगर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट।